प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह तथा समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गौड़ के साथ जनपद के विकास भवन स्थित निपुण भारत सेंटर का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं और कार्यों की जानकारी प्राप्त किया। मंत्री समूह लगातार निरीक्षण करके सभी जनपदों में लगातार योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करके योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। गोरखपुर में रामगढ़ ताल के पास लोगों को अच्छा पर्यटन स्थल भी मिला है। लोग आनंद के साथ भ्रमण कर रहे हैं। कई लोगों को वहां रोजगार मिला है। बहुत ही विकास के कार्य हुए हैं, लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि निपुण भारत सेंटर के माध्यम से बेसिक शिक्षा के स्कूल की निगरानी के साथ छात्र छात्राओं को उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करने में मदद मिल रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, एक कंट्रोल रूम बना है निपुण भारत का, तो बहुत बड़ा है जो मतलब भारत में सर आ गया डेटा का सही उपयोग एवं इनसाइट जनरेशन महत्वपूर्ण है। इस क्रम में गोरखपुर में शुरू हो रहा निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर बेसिक शिक्षा से संबंधित पहला कमांड और कंट्रोल सेंटर है। प्राथमिक पहल जैसे ऑपरेशन कायाकल्प, निरीक्षण, मध्यान्ह भोजन, शिक्षक और विद्यार्थियों की उपस्थिति, छात्र ड्रॉप आउट आदि पर भी रियल टाइम में सख्त नजर रखी जाएगी। ये डैशबोर्ड जैसे GIS आधारित विद्यालयवार परफॉर्मेंस मैप्स, विद्यालयवार परफॉर्मेंस हीट मैप्स, लर्निंग आउटकम मैप्स आदि डेटा समर्थित निर्णय लेने में सहायता करते हैं। निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर में शामिल की गैप एनालिसिस से आंतरिक रूप से योजनाओं को बनाने में सक्षम हो। रियल टाइम डैशबोर्ड स्कूल स्तर से लेकर जिला स्तर तक डेटा प्रदर्शित करेगा, जिससे कॉल सेंटर टीम अकादमिक और प्रशासनिक पहल के अनुपालन को बढ़ाने के लिए टीम रिकॉर्ड करेगी। यह है जो लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने में पिछड़ रहे विद्यार्थियों को मुख्य धारा से जोड़ने में शिक्षकों का समर्थन करता है। आप गोरखपुर में निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर के माध्यम से आकलन, डेटा और लर्निंग आउटकम पर आधारित निर्णय लेने का उपयोग सभी प्रमुख शैक्षणिक और प्रशासनिक पहलों को एक साथ जोड़ने में सहायता करेगा। प्रदेश सरकार राज्य के हर विद्यार्थी को एक अनुकूल विद्यार्थी बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। बच्चों के चेहरों की मुस्कान इस बात का प्रमाण है कि अगर इरादे मजबूत और ईमानदार तो हर किसी के सपने साकार हो सकते हैं। कहीं ना कहीं कभी मतलब आधारभूत जो बच्चे रीडिंग कर सकते हैं या कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं वो नहीं मिलते, और इसी तरह जो हमें खिताव घुराव करना है उसमें नंबरों का नहीं मिलता। तो तीसरी क्लास तक अगर ये नहीं आता तो फिर उसके बाद गेम ओवर है। बच्चा जो है एक से स्तर के अक्षर को पढ़ भी ले और पहचान भी ले और लिख भी ले, तो ये बेसिक चीज़ें उससे बनी जाती है, उसका जो बेसिक घटाव घुराव कर। और इसी तरह जब तीसरी में चले गया तो 9999 जो हमारे नंबर्स हैं उसको पहचानने देते हैं, अगर ये आता है तो वो बच्चा निपुण माना जाता है। और ये देखा जाएगा कि वो जिंदगी में जो भी चीज़ करेगा, चाहे वो प्लम्बर बने, इलेक्ट्रिशियन बने, कंप्यूटर इंजीनियर बने, कुछ भी बने, उसमें उसकी कमी नहीं है। हमारे यहाँ यही हो रहा है पूरे भारतवर्ष में कि यहाँ पे मिस कर रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पहले तो ये सारे टीचर को पता होना चाहिए कि उसको पहली दूसरी तीसरी में बच्चे को
ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। फिर इनका क्या बच्चा कब हो गया, अब उसके लिए टेस्ट होंगे, टेस्ट के में एक सब्जेक्ट का मॉनिटर है, यहाँ सर कंट्रोल रूम बनाया गया, सर ये पुलिस भीड़ लगाई गई, इससे हम संपूर्ण सरकार उसके मंत्री गरीबों की सेवा के लिए रात दिन परिश्रम कर रहे हैं, दौड़ा कर रहे हैं, कैसे गरीब खुशहाल हो और गरीब कैसे मजबूत हो, गांव का किसान खुशहाल कैसे हो, कैसे मजबूत हो। महत्वपूर्ण बाढ़ भी समस्या है, मैं जल शक्ति मंत्री भी हूँ, उसके नाते बाढ़ से संबंधित हम लोग समीक्षा किए, स्थलीय निरीक्षण किया। ईश्वर से ही माई से प्रार्थना है कि किसी किसान और गरीब का नुकसान न हो बाढ़ में, सभी लोग सुखी रहें, संपन्न रहें। बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ, कल से मैं देख रहा हूँ सभी अधिकारी और बाकी जो व्यवस्था चल रही है बहुत शानदार व्यवस्था है, और अधिकारी भी परिश्रम कर रहे हैं, बाकी लोग भी परिश्रम कर रहे हैं, एक अच्छी व्यवस्था चल रही है जो गरीबों को सेवा और सुविधा केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएँ हैं वो गरीब तक पहुँचे, उसके लिए सभी लोग मंत्रिमंडल अधिकारीगण और सभी लोग काम कर रहे हैं, और आगे भी और अच्छा सुविधा होगा और अच्छा हम लोग सेवा करेंगे।